मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने मानसरोवर डेंटल कॉलेज में टी टॉक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें विक्रम अवार्डी दिव्यांग पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने छात्रों को अपने संघर्ष की कहानी बताई और किसी भी विपरीत परिस्थिति में हार न मानने के साथ जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की बात कही। युवा दिवस के मौके पर टी टॉक कार्यक्रम मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मोटिवेशन स्पीकर के रूप में प्रसिद्ध दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने अपने विचार और अनुभव रखे। सत्येंद्र लोहिया ने तैराकी में कई गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल देश और प्रदेश के लिए जीते हैं। इनको विक्रम अवार्ड सहित कई अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। सत्येंद्र सिंह लोहिया ने टी टॉक के दौरान बताया कि जीवन में उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हमेशा संघर्ष करते रहे। सत्येंद्र लोहिया ने कार्यक्रम में एंकर सहित छात्रों के सवालों का भी जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सब उन्हें दिव्यांग कहकर हतोत्साहित करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की मदद से हौसला बनाए रखा और देश ही नहीं विदेश में भी नाम रोशन किया। उन्होंने अवार्ड के साथ इंग्लिश चैनल पार करने का भी गौरव प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर और सीईडी गौरव तिवारी और अन्य पदाधिकारियों स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर उन्हें बुलाकर सम्मान देने पर धन्यवाद दिया। एक और है कोच, एक ऐसे एक समय में एक काम करो और ऐसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। आपने जब अपनी स्विमिंग का करियर स्टार्ट किया, जब आपको ऐसा लगा कि इसमें आगे बढ़ना है, तब कोई ना कोई आपका एक प्रेरणा का स्रोत होगा, वो कौन था, क्या था? मैं तो जब हमने स्विमिंग स्टार्ट की गांव से, तो हर व्यक्ति का एक सपना होता है, एक सोच होती है, एक आगे बढ़ने की एक ललक होती है। और जब सपना कभी कभी साकार नहीं होते, जब निराशा के कारण बनते हैं, बस कुछ करने की अगर व्यक्ति के अंदर कुछ ललक होती है तो शक्ति होती है, तो उसको रास्ते भी मिलते हैं, उसको अवसर भी मिलती है। मैं कहता हूँ अच्छे कार्य करने के लिए आपको पूरी कयाना तो उसको साथ दे देती है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त उठो और खड़े हो, जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त करना कर लो, जब तक आप डटे रहेंगे, अगर आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, आप जितने भी महापुरुष हैं उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, चाहे सफल हो या असफल, हर तरह से हमें ऐसा नहीं है, हर किस सफलता और असफलता दोनों मायने रखती है। तो मैं कहता हूँ जिस तरीके से आपने मेरे को बुलाया, एक तरह के छात्रों को प्रेरणा मिलेगी, और ये मैं कहता हूँ कि जरूर आपके छात्र, आशा ही नहीं, मैं विश्वास के चाहता हूँ, वो जरूर कुछ ना कुछ आगे करेंगे। वो ऊर्जा जब आती है, जब दूसरों को कार्य करने के लिए आती है, अपने लिए तो कोई भी जी लेगा, हर इंसान जी सकता है अपने लिए तो। और हमेशा व्यक्ति को हौसले, जब परेशानी आती है हौसला रखना चाहिए ऐसे कार्य करने में। ऐसा नहीं है, आसान नहीं है कि हम किसी को दूसरों के बारे में सोचकर उसको प्रोसीड करके, एक हौसला रखना चाहिए। जब कहते रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे राही, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अरुण पांडे ने कार्यक्रम की जानकारी दी और बताया कि यह कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के कृषि विभाग द्वारा रखा गया था, जिसमें छात्रों ने प्रसिद्ध तैराक सत्येंद्र लोहिया के अनुभव जाने हैं। जिस तरह से सत्येंद्र ने संघर्ष किया है वे काबिले तारीफ है। सत्येंद्र से छात्रों को सीख मिलेगी और उनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय ने टी टॉक का एक प्रोग्राम शुरू किया है और ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें विश्वविद्यालय ने एक ऐसे व्यक्तित्व को निमंत्रित किया है जो तैराकी के क्षेत्र में, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उन्होंने सत्येंद्र सिंह लोहिया जी, उन्होंने इंग्लिश चैनल भी पार किया, कैटनीला चैनल पार किया और कई उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह के व्यक्ति जिन्होंने किसी कारण से प्रसिद्धि पाई है और दिव्यांग है खास तौर से,
ये बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति दिव्यांग हैं और उन्होंने इंग्लिश चैनल पार कर लिया, एक नया कीर्तिमान बनाया, तो उस तरह के व्यक्ति से हम अपने विद्यार्थियों को भी मोटिवेट करें कि उन्होंने किस तरह से उपलब्धि हासिल की, किस तरह से दिव्यांग होने के बावजूद अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने शुरू से ही नदी में पहले वो तैरते रहे, फिर धीरे धीरे उनको ये मौका मिला कि वो देश में और विदेश में जाकर के भी भारत का नाम रोशन करें। तो मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय का ये निरंतर प्रयास है कि हम पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ कुछ नया भी इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें जिससे हमारे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।